क्रियाकलाप दो, मनुष्यों का अवलोकन। यह क्रियाकलाप कम से कम 10 बच्चों के समूह में करें। विद्यार्थियों का नाम, लंबाई, वजन, तर्जनी अंगुली की लंबाई, अंगूठे का निशान, हथेली की लंबाई एवं चौड़ाई से संबंधित जानकारी सारणी क्रमांक 2 में भरें। कौन कौन से लक्षण सभी में समान रूप से पाए गए? कौन सा लक्षण ऐसा है जो सभी सदस्यों में अलग अलग है? क्या आपको अपनी कक्षा के किन्हीं 2 विद्यार्थियों के लक्षण पूरी तरह से समान दिखाई देते हैं? आप पाएंगे कि प्रत्येक विद्यार्थी के अंगूठे का निशान अन्य विद्यार्थी से अलग होता है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि अंगूठे का निशान प्रत्येक व्यक्ति का विशिष्ट लक्षण है। उपर्युक्त क्रियाकलाप के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक जाति के सभी सदस्यों में समानताओं के साथ साथ अंतर भी पाए जाते हैं। इन अंतरों को विभिन्नताएं कहते हैं। विभिन्नताओं के कारण ही हम एक ही जाति के सदस्यों में समान लक्षण होने पर भी उन्हें व्यक्तिगत स्तर पर पहचान पाते हैं। इन विभिन्नताओं के कारण ही हमें किसी क्षेत्र विशेष में विविध प्रकार के जीव दिखाई देते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों के विविध प्रकार को उस क्षेत्र विशेष की जैव विविधता कहा जाता है। यदि हम जैव विविधता को आधार बनाते हुए पदार्थों और जीवों के बारे में विस्तृत व व्यवस्थित जानकारी प्राप्त करना चाहें तो हमें ऐसी प्रक्रिया की आवश्यकता होगी जिससे हम आसानी से इन सभी का अध्ययन कर सकें। आइए कुछ उदाहरणों की सहायता से इस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं।